HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले दिनों रिलायंस और जियो की बोर्ड मीटिंग में अपनी दमदार उपस्थिति दर्शाने वाली भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। खबरों के मुताबिक जल्द ही ईशा फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी को करण जौहर के साथ प्रोड्यूस करेंगी। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है। कुछ दिनों पहले करण जौहर के घर पर अक्षय कुमार और ईशा अंबानी की मीटिंग हुई थी। ईशा को यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा है। ईशा अंबानी देश की सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में से एक हैं। ईशा फेमिना मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट भी करवा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फेमिना के लिए ये अब तक का सबसे महंगा फोटोशूट था। ईशा मुकेश अंबानी की हर साल की कमाई करीब 4,710 करोड़ रुपए है। ईशा की पर्सनल लाइफ काफी छिपी हुई है। ईशा के अफेयर की बात करें तो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात हर्षवर्धन गुप्ता से हुई थी। एक वेबसाइट के अनुसार हर्षवर्धन गुप्ता मुंबई के एक बिजनेसमैन का बेटा है। इस स्कूल को नीता अंबानी चलाती हैं। जब ये बात नीता को पता चली थी तो उन्होंने स्कूल की अथॉरिटी को दोनों के क्लास अलग कर देने को कहा था। नीता ने ईशा को सख्त हिदायत दी थी कि वो हर्षवर्धन से दूर रहें। ईशा कड़ी सिक्योरिटी के बीच रहती थीं, इसलिए ईशा और हर्षवर्धन का जल्द ही ब्रेकअप हो गया। दूसरा प्यार ईशा को येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुआ। बताया जाता है कि ईशा को पियानो बजाना काफी पसंद है और पियानो सीखने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। इसी पियानो प्यार के चलते उन्हें एक लड़के से नजदीकियां बढ़ गई थी जो खुद एक पियानिस्ट है। बहरहाल खबरों के मुताबिक ये लड़का इंडियन तो नहीं है, परंतु इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई है।